नए साल के जश्न में पड़ सकती है पाबंदियों की खलल। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को किया अलर्ट। केंद्र का राज्यों को निर्देश, नए वेरिएंट को रोकने के लिए वॉर रूम करें एक्टिव, जरूरत हो तो लगाएं नाइट कर्फ्यू। धीरे धीरे देश में पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में सामने आया पहला केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए केस, अब तक 65 लोग संक्रमित, सरकार सतर्क। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कसी कमर, अब तक पाए गए 54 मरीज। तेलंगाना में भी ओमिक्रॉन के 4 नए केस, कुल मरीजों की तादाद हुई 24। देशभर में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पहुंची 220, 14 राज्य नए वेरिएंट की चपेट में। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर वैज्ञानिकों ने अगले साल फरवरी में तीसरी लहर की जताई आशंका। कर्नाटक में नए साल के जश्न से पहले लगी पाबंदी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सामूहिक कार्यक्रमों पर लगी रोक, पब और क्लब में डांसिंग और डीजे की अनुमति नहीं। रेस्टोरेंट्स बार्स में 50% क्षमता से ज्यादा पर पाबंदी, सभी कर्मचारियों के लिए कोरोना टेस्ट और वैक्सीन की दोनों डोज होगी अनिवार्य। डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह। ओमिक्रॉन के खतरे पर लोगों ने रद्द की घर से बाहर जश्न मनाने की योजना, होटलों में लगातार हो रही है बुकिंग रद्द। बंगाल में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्रिसमस और नए साल के जश्न पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी। देश में कोरोना के नए मामले 5300 से ज्यादा, केरल में 2200 से ज्यादा केस। तय वक्त से एक दिन पहले ही खत्म हो सकता है संसद का शीत सत्र, सुबह 11 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की तैयारी। दोपहर 1 बजे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव संशोधन बिल, वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड होंगे लिंक। सरकार ने गिनाए आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़े जाने के फायदे, कानून मंत्री बोले थम जाएंगी चुनावी गड़बड़ियां। चुनाव संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सदन में उछाली रूल बुक, मौजूदा सत्र से निलंबित। पीएम मोदी की अगवानी के लिए वाराणसी में तैयारियां जोरों पर, कल काशी को 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी रखेंगे बनारस डेयरी संकुल की आधारशिला, करीब 20 लाख लोगों को बांटेंगे घरौनी। यूपी चुनाव में बीजेपी की चुनावी मुहिम को और धारदार बनाने 24 दिसंबर को यूपी जाएंगे अमित शाह, कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मैराथन रणनीतिक बैठक और कार्यक्रम। 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दक्षिण गोवा में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। अमेठी के बाद वायनाड चले राहुल गांधी, कई सियासी कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। पंजाब में बीजेपी कैप्टन के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज, जल्द हो सकता है आपस में सीटों का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 27 दिसंबर को पीएम कर सकते हैं बड़ी चुनावी रैली, कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, राज्य में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची, जल्द जारी हो सकती है पहली लिस्ट। महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र की शुरुआत, मराठा आरक्षण, कोरोना के हालात, देशमुख परमबीर केस पर हंगामे के आसार। गोवा में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत, पणजी की रैली में अरविंद केजरीवाल का वादा, सूबे में पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी पार्टी। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया पर ड्रग्स केस में कसा शिकंजा, मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज की FIR। अकाली दल ने किया विक्रम मजीठिया का बचाव, प्रकाश सिंह बादल बोले उन्हें पता था बादलों और मजीठिया की गिरफ्तारी होगी। गुजरात में पंचायत चुनाव की मतगणना का काम जारी, करीब 3000 गांव की वोटों की गिनती बाकी। साइबर क्राइम के खतरे पर गृहमंत्री अमित शाह की अहम बैठक, बैठक में चुनौतियों से निपटने पर चर्चा। राजस्थान में सरकार के 3 साल पूरा होने का जश्न जारी है, सीकर में वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने गिनाई उपलब्धियां। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियां जमाने वाली ठंड, 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया राजधानी का न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा पर कसा शीतलहरी का शिकंजा, हिमाचल में हुई बर्फबारी का दिखा असर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 2 दिनों से 6 डिग्री के करीब है लखनऊ का न्यूनतम पारा। लखनऊ में जानवरों को कड़ाके की ठंड से बचाने की कवायद, जू में लगाए गए हीटर।
कड़ाके की ठंड की चपेट में उड़ीसा, पारा 3.5 तक लुढ़का, अगले 72 घंटे तापमान और गिरने का अंदेशा। राजस्थान में जारी है सर्दी का सितम, भीलवाड़ा में 1.5 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहरी का कोहराम, लेकिन लगातार बढ़ रही है सैलानियों की तादाद। उत्तराखंड के बागेश्वर में पाले से छाई सफेदी, शीतलहर ने लोगों को किया बेहाल। बद्रीनाथ से जोशीमठ तक जबरदस्त ठंड, लगातार लुढ़क रहा है पारा, जमा रहता है नालों में बहता पानी। कश्मीर में चिलाई कलां की शुरुआत, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान, बर्फबारी का भी अनुमान। बंगाल के नादिया में पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब, मामला अवैध संबंध का, आरोपी पति गिरफ्तार। फतेहाबाद में स्कूल में बच्चे को चोट लगने पर माने टीचर को मारा चांटा, पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट, गोपालगंज में एक गाड़ी से गांव वालों ने लूटी शराब, 8 गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बारामती में बैल चोर गिरोह को पुलिस ने धरा, 3 गिरफ्तार। कोटा में 11 साल की नाबालिग का अपहरण के बाद रेप, पड़ोसी ऑटो ड्राइवर पर केस दर्ज। झालावाड़ में पशु अस्पताल में चोरी, पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार, कई सामान बरामद। वैशाली में एक शख्स की गला रेत कर हत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मेरठ में बदमाशों के घर पर पुलिस की दबिश, कई धरे गए फरार अपराधी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, पुलिस को शिकायत का इंतजार। अलीगढ़ जेल में हत्या के आरोप में बंद युवक ने की आत्महत्या, सेप्टिक टैंक में कूद कर दी जान। सहारनपुर में पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित। महाराजगंज में एसएसबी जवान की नदी में डूबने से संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। गया के तेनकुपा प्रखंड में पूर्व दबंग मुखिया के गुर्गों ने की फायरिंग, पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर चलाई गोली, जद में आने से एक बच्चा घायल। इंदौर में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 92 लाख कीमत के आभूषण बरामद। धौलपुर में संदिग्ध हालात में मिला बुजुर्ग साधु का शव, लोगों ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली एयरपोर्ट पर करोड़ों के हीरोइन जब्त, युगांडा की महिला तस्कर गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में थाने में दारोगा की महिला के साथ बदसलूकी, अपने बेटे के साथ फरियाद लेकर आई थी पीड़ित। दिल्ली के अक्षरधाम के पास सड़क पर हंगामे का वीडियो वायरल, तस्वीरों में एक लड़की कर रही है दूसरे शख्स के साथ बदसलूकी। बांकुड़ा में बालू माफियाओं ने गांव वालों को पीटा, खनन के खिलाफ विरोध करने पर किया हमला। मध्य प्रदेश के गुना में बंदरों का आतंक, घर से महिलाओं बच्चों का निकलना हुआ मुहाल, प्रशासन खामोश। अहमदाबाद में बन रहा पुल गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। समस्तीपुर में ऑटो और ट्रक के बीच टक्कर, 3 की मौत, कई घायल। अलीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूटी सवार बाप बेटी को ट्रक ने मारी टक्कर, बेटी की मौत, बाप की हालत नाजुक। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने किया जोरदार हंगामा, कई घंटे तक सड़क की जाम, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। कन्नौज में कंटेनर में लगी भीषण आग, 103 मोटरसाइकिल जलकर खाक, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। कटरा की पहाड़ी जंगलों में लगी आग, वैष्णो देवी मंदिर से महज 8 किलोमीटर दूर है आग की लपटें। शीतलहर में जलकर राख हो रहे केदार घाटी के जंगल, उखीमठ में लगी आग से लाखों की वन संपदा स्वाहा। मुंबई के एक होटल में जमा हुए 1983 वर्ल्ड कप के हीरो, फिल्म 83 के प्रमोशन की कवायद। दिल्ली सरकार ने फिल्म 83 को किया टैक्स फ्री, कपिल देव और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर बनी है फिल्म। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी शुरू। अक्टूबर में ईपीएफओ ने 12.73 लाख नए मेंबर्स जोड़े, अक्टूबर 2020 के मुकाबले 10.22% ज्यादा लोगों को अक्टूबर में मिली नौकरी। पीएम मोदी ने देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओ से की मुलाकात, कॉरपोरेट सेक्टर को कृषि और फूड प्रोसेसिंग में निवेश करने की सलाह दी। नीरव मोदी, माल्या और चौकसी जैसे डिफॉल्टर्स की संपत्तियां बेचकर सरकार ने वसूले 13,000 करोड़, वित्त मंत्री ने दी जानकारी। 2021 के मॉडल्स को निकालने के लिए कार कंपनियों ने बढ़ाई दिसंबर डिस्काउंट, 1.25 लाख तक की छूट।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्षेत्र में आईटीसी को मिला छठा आईसीएसआई सीएसआर एक्सेलेंस अवार्ड, प्रभावशाली गतिविधियों के लिए सम्मान। पंजाब के फिजलका में किसानों ने किया डीसी ऑफिस का घेराव, मुआवजे और दूसरी मांगों को लेकर हल्ला बोल। पटना के आईजीआईएमएस में नर्सिंग स्टाफ और वार्ड अटेंडेंट ने किया ड्यूटी का बहिष्कार, मरीज हुए परेशान। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ नाराजगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से अमेरिका में पहली मौत, टेक्सास का रहने वाला था शख्स, नहीं लगवाई थी वैक्सीन की एक भी डोज। अमेरिका में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन, छुट्टियां शुरू होते ही 50 में से 48 राज्यों में पहुंचा संक्रमण। ओमिक्रॉन खतरे के बीच ब्रिटेन पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार, बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। फ्रांस में पहले मोबाइल फोन के मैसेज की हुई $1,20,000 नीलामी, 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन के एक इंजीनियर ने कंपनी के मैनेजर को किया था मैसेज। इटली के सिसली में फर्जी कोविड सर्टिफिकेट बनाने में धरे गए एक नर्स भी गिरफ्तार। मलेशिया में बाढ़ से तबाही, पशुओं की जान बचाने में जुटे राहतकर्मी। 375 के पार पहुंचा फिलीपींस में राई तूफान से मरने वालों का आंकड़ा, 56 लोग अभी भी लापता।